नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम सोमवती अमावस्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या इस साल कब पड़ा है, इसकी पूजा की सही विधि क्या है, इसमें हमें क्या दान करने से लाभ मिलता है और क्या एक भूल इसमें हमें नहीं करनी चाहिए और इसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो आप ज़रूर इस वीडियो के साथ बने रहिए। और इसमें एक कथा कही जाती है एक ब्राह्मण देवता की, तो आप कथा सुनना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो सोमवती अमावस्या कब है? तो ये 13 दिसंबर रात 12:54 से शुरू होगा और 14 दिसंबर रात 9:43 तक है। और ऐसे ये सोमवार के दिन पड़ता है अमावस्या, तो इसलिए इसको सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसमें हमें पूजा कैसे करनी है। तो सोमवती अमावस्या की पूजा सबसे पहले हमें गंगा में, उस दिन अमावस्या के दिन लोग स्नान करते हैं। और एक चीज़ इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि सुहागिन औरतों को उस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आप ज़रूर इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले उस दिन सभी गंगा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से पितरों को हम प्रसन्न करते हैं और ये सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की भी आराधना किया जाता है। इसको मार्ग शीर्ष के नाम से इस महीने को जानते हैं और सोमवती अमावस्या कृष्ण पक्ष तिथि में पड़ता है। तो इसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, तो वो भी मैं बता देती हूँ। तो इसमें हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, दूध से, अक्षत से, रोली चंदन और किसी भी मीठे चीज़ से हम पूजा करते हैं। और उसके बाद पूजा में सुहागिन औरतें इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या करती हैं, पूजा में भौंरी देना अति अनिवार्य है। सभी सुहागिन औरतों को ये भौंरी देना चाहिए, जिसको भावर देना भी बोला जाता है, तो आप ज़रूर दीजिए। परिक्रमा करते हैं 108 बार हमें पीपल गाछ का परिक्रमा करना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप चना ले लीजिए, चना को भिगो लीजिए पहले ही, या आप मूंगफली के दाने ले लीजिए, 108 बार उसको गीन के रख लीजिए। ये हर चीज़ पूजा का सामग्री आप ले लीजिए। वैसे तो सभी को पता होता है पूजा में क्या लगता है, और पुष्प वगैरह लेके आप जाइए और वहाँ पे जितनी बार आप भावर दीजिए तो उतनी बार आप ये मूंगफली का वो दाना एक रख दीजिए या चने का दाना आप ऐसे गिन के आप लेके जाइए और रख दीजिए। तो आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं कि आपने कितनी बार भावर दिया और उसको एक जगह रखते जाइए। और इसमें एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है, तो 108 बार तो वो करना ही है, और किस चीज़ से हमें भौंरी देना है, तो वो भी आप कच्चा सूत मिलता है उसी से तो ऐसे देना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो हम सिलाई करते हैं धागा, वो रील जिसको बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। उस धागे में पीला कलर आपको लेना है, पीली रंग का ही लीजिएगा, वही शुभ माना जाता है, उसी से हम देते हैं। पीला हो या लाल हो तो कोई एक कलर का आप धागा ले लीजिए या कच्चा सूत ले लीजिए, उसको हल्दी में थोड़ा सा उसमें लगा लीजिए और उसी के साथ हम भौंरी देते हैं। हम अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए उस दिन पीपल वृक्ष की भावर देते हैं, 108 बार उसके भावर घूमते हैं। पीपल वृक्ष को इसलिए दिया जाता है कि पीपल वृक्ष के ऊपर सभी देवों का निवास होता है, तो ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो इसलिए उस दिन पीपल वृक्ष की हम पूजा करते हैं। पूजा हो जाने के बाद वहीं अगर पंडित जी आते हैं तो कथा वगैरह सुनाते हैं, अगर नहीं आते हैं तो हम सभी लेडीजें वहाँ बैठकर कथा सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। तो अगर आप वहाँ सुन रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तो आप घर में भी आके कथा सुन लीजिए। कथा सुनने का बहुत बड़ा महत्व है और व्रत उपवास तो रखना ही है, तो उपवास भी अगर आप रखते हैं तो मीठा मीठा चीज़ हमें उस दिन खाना चाहिए, फल फलाहार करिए, साथ में मीठा भोजन करिए। दान में हमें क्या देना है, तो दान में हमें आटा, सिंदूर ये तो, और पैसा, तीन चीज़ तो देना ही देना है। और
अलग से आपको सुहाग की जितनी चीज़ें आप दान कर सकती हैं, आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार वो चीज़ें भी आप खुल के दान करें। अमावस्या के दिन दान करना अति शुभ माना जाता है। और एक काम हमें उस दिन भूल कर नहीं करना चाहिए, वो क्या है, सिंदूर और तेल उस दिन हमें कभी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। तेल तो उस दिन छूना ही नहीं चाहिए। और क्या चीज़ें और हमें आगे नहीं करनी चाहिए, रुई, रुई उस दिन अमावस्या के दिन हमें नहीं छूना चाहिए। बैगन, बैगन वगैरह उस दिन आप ना मतलब अपने घर में मत लाइए और छूना भी नहीं चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान करिए, भूल के भी इन सब चीज़ों को आप हाथ ना लगाएं। तेल, बैगन, रुई, इन सभी चीज़ों को आप हाथ ना लगाएं, तो यही भूल से आप बचिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।